Welcome students to the next lecture of numerical method. Today we are going to discuss about regular fallacy method. Last के lecture में हमने method discuss किया था bisection method. मैंने पहले बताया था कि जो हमारे पास roots of equation है इसके तीन methods हमारे पास आते हैं. Three methods में first one हमारे पास होता है bisection method. Second हमारे पास है regular fallacy. Bisection हम already discuss कर चुके हैं, अब आता है regular fallacy method. Bisection method में क्या किया था? हमने एक interval ढूंढा था, जिसमें एक result हमारे पास positive होना चाहिए और एक result क्या होना चाहिए negative. और उस interval को हम midpoint निकाल के short करते हुए चले जाते थे, जब तक हमें desired accuracy नहीं मिल जाती. Concept यहाँ भी कुछ भी bisection से ही related है आपका. तो regular fallacy की दूसरे नाम भी दिया जाता है false position method. बट जहाँ तक जो लिखा हुआ आता है आपके यहाँ वो आता है रेगुलर फॉल्सी. बट इन केस अगर फर्स्ट पोजिशन मैथड भी कहीं लिखा हो तो समझ जाएगा कि रेगुलर फॉल्सी मैथड की बात है. जनरली दिस मैथड इज एसेंशियल सेम एज अ बाइसेक्शन मैथड एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ बाइसेक्शन मैथड. बाइसेक्शन मैथड में हम क्या करते थे, एक दो वैल्यू छोड़ देते, एक इस तरीके से जहां पे फंक्शन पॉजिटिव हो और एक इस तरीके से जहां पे फंक्शन हमारा क्या नेगेटिव हो. और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ है, अगर मेरे पास इस पॉजिटिव रीजन से वो नेगेटिव रीजन में आएगा वहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस को कट करते हुए आएगा और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं वही हमारे क्या इक्वेशन का रूट होता है. बाइसेक्शन की तरह रेगुलर फॉल्स में भी हमें यही काम करना है, बट यहाँ पर हम बाइसेक्ट नहीं करेंगे इंटरवल्स. ठीक है, वहां पर क्या करते थे, हम मिड पॉइंट निकालते हुए चले जाते थे और बड़े इंटरवल को शॉर्ट करते हुए चले जाते थे. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी चूज टू पॉइंट एक्स जीरो एंड एक्स वन. यहाँ दो वैल्यूज हम ढूंढेंगे, कौन कौन सी, एक हमारे पास कौन सी होगी एक्स जीरो और एक होगी हमारे पास एक्स वन. हमने दो वैल्यूज ढूंढी, एक एक्स जीरो और एक एक्स वन. दोनों वैल्यूज इस तरीके से ढूंढी है हमें, एक फंक्शन हमारे पास क्या हो नेगेटिव और एक फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए पॉजिटिव. एफ एक्स जीरो यानी अपोजिट साइन के होने चाहिए. इनकेस अगर एक्स जीरो हमारे पास पॉजिटिव है तो एक्स वन क्या होना चाहिए हमारे पास, एफ एक्स वन नेगेटिव. और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है हमारे पास तो इसका फंक्शन क्या होना चाहिए हमारा पॉजिटिव. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब दो वैल्यूज हमें मिल गई दोनों अपोजिट साइन की है तब एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ कोड से, ज्यादा भी आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन ये नहीं आता है प्रूफ के लिए. हमारे पास दो चीज होगी एक्स जीरो होगी एफ एक्स जीरो, एक्स वन एफ एक्स वन. तब हमारे पास उसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है. जनरली इक्वेशन ऑफ लाइफ सबने पढ़े क्या होती थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू हमारे पास कितना होता था एक्स टू माइनस एक्स वन. ठीक है, अब वही बात हमने यहां पर किया है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टाइम क्या होती थी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस इन टू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई. आपको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है तो कोई फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें हमारे पास एब्सेंस ऑफ पॉइंट जो मानते हैं, यानी कि मान लीजिए मेरे पास ये भी ग्राफ है और यहां से मेरे पास ये ओरिजिन है ये नेगेटिव है और यहां से कोई भी ग्राफ मेरा किसी भी तरीके से कट करता हुआ आएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करेगा इसको कट करेगा. और जब एक्सिस ऑफ पॉइंट को कट करेगा तो इट मीन इस केस पर y की वैल्यू इसके इक्वल होगी जीरो. तो उससे हमारे पास एक रिजल्ट निकल रहा है, आपको उस तरह के रिजल्ट याद रखना है x इक्वल्स टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0 माइनस जीरो. यहां पर आपको इंटरवल को बाइसेक्ट करके डिवाइड नहीं करना है, यहां पर सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और उस फॉर्मूले को आपको इस तरीके से याद रखना है. यानी कि फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास x इक्वल्स टू एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस एक्स जीरो अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो इन एफ एक्स जीरो. अब हमारे पास दो वैल्यूज लेंगे बस, इसमें
चलिए इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं. फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो यूजिंग रेगुलर फॉर्मूला मेथड करेक्ट टू थ्री डेसिमल प्लेसेस. क्या उसमें स्पेसिफाई करने कि आपको थ्री डेसिमल प्लेसेस तक देना है. तो मैंने पहले ही बताया था अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि आपको तीन प्लेस देने हैं तो आपको तीन ही देने हैं, उससे कम पर आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते. ठीक है, एक्स को कितना पुट करेंगे 1.5. एफ एक्स जीरो की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी कितनी थी
फॉर्मूला आपको यही लगाना है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला आपको यही रखना है। और एक चीज और, हम यहाँ पर एक्स और एक्स नहीं स्पेसिफाई कर रहे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन है एक्स, तो क्या इंटरवल ब्रेक नहीं होगा हमारे पास। यह हम चेक करेंगे कि एक्स की वैल्यू जान रही है, जैसे जैसे हमें एक्यूरेसी पर आती चली जाएगी हम वहीं पर अपना क्वेश्चन का स्टॉप कर देते हैं। वैल्यू को क्या, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1.0456। फंक्शन वैल्यू चाहिए तो फंक्शन वैल्यू फिर आगे क्या है नेगेटिव। इट मीन्स अगर हमारे पास क्या आ गया, आपके इंटरवल बना, यानी कि पहले कितना ये बताओ 1.035 और 1.5 है, अब जो इंटरवल आया है वो कौन सा आ गया हमारे पास 1.0456 और 1.5। ये हमारा किसका काम करेगा, एक्स जीरो का, और ये किसका काम करेगा हमारा एक्स टू। ठीक है, अब एक्स जीरो और एक्स टू दोनों की वैल्यू हमें क्या करने थे, इंटरचेंज करने फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, हमारे पास वो किस किसके बीच में आ गया 1.0456 एंड 1.5, क्योंकि 1.5 के फंक्शन वैल्यू मेरी वैल्यू क्या बैठ रही है पॉजिटिव, और 1.0456 के फंक्शन वैल्यू क्या बैठ रही है नेगेटिव। इट मीन्स एक्स जीरो हमारे पास कितना आ गया 1.056, एक्स वन कितना आ गया 1.5, एफ एक्स जीरो इक्वल्स टू दिस एंड एफ एक्स वन इक्वल्स टू दिस। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला ये। अब एक्स जीरो को रिप्लेस करेंगे किससे 1.0456 से, और एक्स वन को रिप्लेस करेंगे किससे 1.5 का, और एफ एक्स जीरो की वैल्यू हमें जो कैलकुलेट किया उसको हमें यूज करना है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करके आया है उसमें वैल्यू है 1.0487। ठीक है, अब जब इसमें फंक्शन वैल्यू हमने चेक करी तो हमारे पास क्या मिला वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, मीन्स हमारे पास अब फिर क्या रिप्लेस होगा एक्स वैल्यू, मीन्स हमारे पास अब जो इंटरवल बचा वो कितना बन गया हमारे पास 1.0487 और साथ में कितना 1.5। ये हमारा एक्स का काम करेगा एक्स जीरो का, और ये काम करेगा हमारे किसका एक्स वन का, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब छोटी वैल्यू से एक्स जीरो को बार बार क्या होती है ये रिप्लेस होती हुई चली जाएगी। और जब हमने इसे चेंज किया तो हमारे पास वही वैल्यू वो कितना आ गया, एक्स जीरो हमारे पास कितना आ गया 1.0487, एक्स वन कितना आ गया 1.5, एक्स जीरो एंड एफ एक्स वन। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्योंकि एक्स जीरो एक्स वन की रिप्लेस होती है, अब एक चीज देखिएगा एक बार हमारे पास एक्स की वैल्यू अगर हम चेक करें तो देखिए सबसे पहले आई थी हमारे पास 1 और 1.5 जो इंटरवल, दोबारा वाले इंटरवल में 1.0352 और अगेन कितना है 1.5, थर्ड इंटरवल में आए 1.0456 और साथ में कितना है 1.5, फोर्थ में कितना है 1.0487 और अगेन कितना है 1.5। ठीक है, अब अगर हम ये देखें तो एक डेसिमल के बाद एक प्लेस पे हमारी वैल्यू जो है वो एक्वल टर्न कर रही है। अब ये दोनों को चेक नहीं करेंगे क्योंकि हम इंटरवल में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसे इंटरवल में डिवीजन अलग होता है। ठीक है, तो अब इंटरवल को डिवाइड नहीं करना है तो हमें किसे मॉनिटर करना है, इस वाले एक्स को मॉनिटर करना है। अगर ये केस यहां पर वैल्यू चेंज हो रही होती तो हम इसे मॉनिटर करते हैं। अब उसके बाद जब हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट किया तो रिजल्ट कितना है 1.0496। अगेन फंक्शनल ग्रुप करके देखा तो अपने आप में क्या आ गया नेगेटिव। इट मीन्स अब ग्रुप हमारा किस किसके बीच में आएगा 1.0496 और साथ में कितना आ गया 1.5, मीन्स एक्स जीरो का काम तो ये करेगा और इसका काम करेगा हमारा एक्स वन। तो अब तक हमें देखें तो हमारी एक्स जीरो की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स वन अभी हमारा स्टेबल है क्योंकि हमारा जो भी फंक्शन आ रहा है यानी कि जो भी वैल्यूज कैलकुलेट होगा क्या आ रही है, क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स रूट हमारे किस के बीच में आ जाएंगे 1.0496 एंड 1.5। अब एक उससे जब एक्स अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इसका तो ये कितना आ गया हमारे पास कन्वर्ट में एक्स जीरो हमारे पास किसका काम करेगा 1.0496, एक्स वन होगा क्या हमारे पास 1.5, एफ एक्स जीरो की वैल्यू होगी -0.0018 और एफ एक्स वन की वैल्यू होगी 3.725। अब जब इसे फिर अप्रोक्सीमेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया वो कितना है 1.0498, यानी कि बेटे कितने आ गया हमारे पास 1.0498, इससे पहले कितना आया था 96। ठीक है, और लास्ट में कितने आ गए 1.0498। अब अगर हम देखें आप एक चीज और भी देखिएगा जो फंक्शन वैल्यूज है हमारी, अगर बात करें यहाँ पर एफ एक्स जीरो कितना आ रहा है हमारे पास -0.0018, यानी कि जो फंक्शन वैल्यू है हमारी किस पे अप्रोच कर रही है जीरो को अप्रोच कर रही है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है क्योंकि हम डेसिमल के बारे में ठीक डेसिमल
एग्जैक्ट करें, अगर हम इसे क्वार्टर फोर या फाइव प्लेस पर देने जाएंगे तो वैल्यू जो हमारे पास फंक्शन वैल्यू इस पर अप्रोच करते हुए चली जाएगी, जीरो पर अप्रोच करते हुए जाएगी। और यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हमने जैसे मैं ये थ्री इक्वेशन में करेक्ट लेकर यहाँ लिखना है 0.1.0496 और ये 1.0498, यहाँ लिखे तीन केसेस हमारे पास दोनों के क्या है करेक्ट आ गए, जहां पर हमारे पास फंक्शन वैल्यू एग्जैक्टली इस पर अप्रोच कर रही है हमारी जीरो। तो ये हमारे पास क्या आएगा, जब फंक्शन वैल्यू हमारी जीरो पर अप्रोच कर रही है तो हमारे पास थ्री प्लेसेस ऑफ करेक्ट है कितना आ गया 1.0498, ये हमारा आंसर होगा। तो ये डिफरेंस है हमारा इसमें बाइसेक्शन के लिए और हमारा रेगुलर फॉल्सी है। देखिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव रीजन पे लिया एक नेगेटिव रीजन लिया, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब भी अगर कभी ग्राफ मूव होगा तो एब्सिसा को कभी ना कभी कट करेगा। एब्सिसा को कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि जो फंक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी जीरो। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसमें हम कोई फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगर मैं एफ वन की वैल्यू निकालू तो कितना आएगा हमारे स्क्वायर माइनस वन ग्रेड कितना गया जीरो, इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू वन क्या आएगा इसका निकाल। वही काम हमने यहाँ भी किया है, बट यहाँ भी हमारे पास स्टार्टिंग के लिए हमें जरूरत होती है तो हम दो वैल्यूज जोड़ते हैं, एक वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन नेगेटिव हो और एक वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव। जब नेगेटिव और पॉजिटिव रीजन जब मुझे मिल जाता है तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे पास इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमारे जो लाइन है या हमारे जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट जरूर करेगा। जहां भी एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा यानी कि फंक्शन वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी जीरो होगी तो वो हमारा रूट हो जाएगा। तो रेगुलर फॉल्स में भी हमने यही किया, हमें इनिशियली दो वैल्यू चाहिए जहां पे एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कोई इंटरवल डिवाइड नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए फॉर्मूला यूज होना है, वो फॉर्मूला है हमारे पास कौन सा दिस एक्स इक्वल्स एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस एक्स जीरो, बस इतना ध्यान रखेगा एक्स जीरो जो होगी वो स्मॉलर वाली वैल्यू होगी और एक्स वन जो होगी वो लार्जर वैल्यू होती है, फंक्शन वैल्यू से हम कैलकुलेट करेंगे उसे। ठीक है, उसके बाद हम इसे तब तक प्रूव करते हैं जब हमारे पास फंक्शन जो होगा अप्रोक्सीमेटली जीरो या फिर हमारे पास जो भी रिजल्ट आना है जो रूट है हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी तक नहीं मिल जाए।